राजस्थान के दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये हैं खींवसर और मंडावा विधानसभा सीट। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नए चेहरे मैदान में नहीं उतारे हैं, पुराने चेहरों के भरोसे ही कांग्रेस मैदान में उतर रही है। हालांकि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की नहीं है, एक सीट आरएलपी और दूसरी बीजेपी की रही। बीजेपी दोनों पर गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस अपने दम पर मैदान में है। चुनाव होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि पब्लिक जानती है सरकार आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस का अगर एमएलए जीत कर जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर ज़्यादा काम विकास की दृष्टि से हम करा सकते हैं। यही एक मुद्दा जनता आज चाहे, क्योंकि सरकार बनेगी नहीं इन दो सीटों से, तो पब्लिक उसी पार्टी को समर्थन करेगी जिसकी सरकार है, और हम लोगों ने पूरा ताकत से काम किया है दोनों जिलों के अंदर, नागौर में, झुंझुनू में हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं प्रदेश भर में। तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार को देखते हुए, सरकार के काम को देखते हुए और संगठन की शक्ति को देखते हुए जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। मजबूरियों को और समझौतों को सब समझते हैं, उस रूप में प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति की व्यवहारिक हकीकत कुछ अलग होती है, भावनात्मक बातें कुछ अलग हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि हमारे लिए जीत बड़ी है, और जीतने के लिए जो यत्न होगा और जो फैसला होगा वही हम लोग करेंगे।